Trinity Beach. ये ले, ये पकड़। निकाला तेरा फोटो। क्या बात कर रहा है? गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चैम 3889 पे। फिर से हम लोग आज निकल पड़े एक नए व्लॉग की ओर, एक नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए। आज का वक्त अभी हो चुका है 2:35, दोपहर का टाइम है, और सबसे पहले तो हम लोग पेट्रोल भरवा लेंगे, फिर वहाँ से डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाने का अपने। ठीक है, जर्नी अभी हो गई अपनी स्टार्ट, अभी तक तो बस दमन के अंदर ही। अपन दमन से जाएंगे, यहाँ से सीधा हम लोग आगे नारकोल की तरफ, और उधर से लास्ट वीक भी अपनी कोई खास से व्लॉगिंग नहीं हो पाई थी, तो वीडियो अपन ने अपलोड किया था पूरा पुराना था, अभी का नहीं था वो लेटेस्ट। इसलिए आज प्लान किया कि एक थोड़ा लंबा टूर पे जाए अपन। लंबे टूर पे जाके एक बीच है अच्छा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर लगता है, बोरडी बीच। बोरडी करके है, मतलब अपना गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबसे पहला जो है वही है बोरडी बीच, तो वहीं पे अपन जा रहे हैं अभी। जाके उधर करेंगे अपन एक्सप्लोर बोरडी बीच को। अभी जितना मैंने गूगल मैप पे देखा है, बोरडी बीच यहाँ से तकरीबन 40-42 किलोमीटर के आसपास है, और उस हिसाब से देखा जाए तो गूगल में बता रहा है कि 1 घंटा लगेगा हमको जाने के लिए, लेकिन रास्ता खाली खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए हम लोग, ताकि इवनिंग का जो बीच एक्सप्लोरिंग का जो उधर का मज़ा है वो लूट सके। बाकी तो अपना तो आते वक्त तो भले ही धीरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाईवे से भी जा सकते थे, NH 48 नेशनल हाईवे, वो वाला हमने थोड़ा सा इग्नोर किया। लास्ट टाइम नारगोल आते वक्त भी यही रास्ते से हम लोग आए थे, और इसी रास्ते के आगे हमको जाके मिलेगा बोरडी बीच। पानी आ गया उधर से। कहाँ से? वो समुंदर का है ना उधर। हाँ, इसीलिए मतलब वो उधर से थोड़ा सा खुला रहता है, वहां से इधर आ जाता है पानी। वो जो कमल का लेक था ना, वो भी वैसा ही बना होगा ना कहीं से, मतलब समुंदर पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, इधर से दिख रहा है। हाँ, रास्ते में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। अब वाह वाला जो रोड है उधर का, पिछली बार जो नारकोल गए थे वो है नारकोल के अंदर से जाके वो इंटरनल रोड है, और ये जो है ये सीधा रोड है अपना कोस्टल हाईवे का, वो कुछ बाहर से वो गाँव के अंदर से चले गए। ये वाला रास्ता थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, रिटर्न आ गए हम लोग फिर से। यहाँ से और 10-15 किलोमीटर दूर है बोरडी, पहुँच जाएंगे शायद हम 15-20 मिनट के अंदर पहुँच जाना चाहिए। 1 घंटा तकरीबन लग ही जाता है, रास्ते का जो हालत है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा, मतलब पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया है रास्ता, पूरा पानी भरा हुआ है इधर, और वही होगा नारकोल बीच मेरे हिसाब से। ये बड़े बड़े पेड़ जो है वो नारकोल के आसपास ही थे, वही है, और इधर पूरा पानी भरा है, खाड़ी है इसे, पूरा पानी जमा हुआ, पूरा नीचे पानी, समंदर का ही पानी, खाड़ी का ही प्रकार है सब। नाव वाव दिखने लग गई अभी इस तरफ से, यहाँ से उस तरफ तक पूरा पानी खाड़ी है। ये रहा एक दूसरा विलाड़, विलाड़ होगा शायद उस तरफ में, फिर बॉर्डर का सब सब जाले लगा के रखे इन लोगों ने मच्छियों के। अरे तो मस्त दिख रहा है एकदम, डॉक यार्ड है उधर पूरा शिप्स का, मछुआरों का पूरा एकदम यहाँ से, और आ समुंदर उधर से दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है समुंदर। खाड़ी के अंदर से पूरा एकदम रास्ता इन्होंने फिट कर दिया है, वो रहा पूरा समुंदर पूरा सामने,
इतने पास से जा रहे हैं हम लोग समंदर के। 6 किलोमीटर मात्र शेष बोरडीप पर आने के लिए। अब सामने दिख रहा है बस चेक पोस्ट ही दिख रहा है हमको, तो मतलब यहाँ से चेक पोस्ट और थोड़ी देर बाद अपन क्रॉस हो जाएंगे गुजरात से डायरेक्ट महाराष्ट्र की तरफ। इतना पास है, मतलब मेरा घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कब से कम उसमें लगता है 100 किलोमीटर लंबा जाने के बाद बॉर्डर लगता है, और यहाँ 30-40 किलोमीटर में ही बॉर्डर आ गया। क्रिकेट मैच चल रहा है बहुत झमाझम, हो सकता है हम लोग एंटर कर गए महाराष्ट्र के अंदर, या हो सकता है थोड़ी देर बाद एंटर करेंगे। शिवनेरी चहा मराठी बोर्ड मतलब 100% आ गए। हाँ, MH 48 आ गए अपन महाराष्ट्र के अंदर। रास्ता अगर बन जाएगा तो अच्छा होगा जल्द से जल्द, खराब रास्ते की वजह से बहुत टाइम लग जाता है। डहाणू इधर से 22 किलोमीटर दिखा रहा था, पीछे एक बोर्ड आया था और बोरडी था इधर से 4 किलोमीटर दूर, मतलब हम लोग पहुँचने ही वाले बोरडी के पास। कन्फ्यूजन लग रहा है, कहीं पे अभी भी गुजराती बोर्ड दिख रहे हैं और कहीं पे अभी भी महाराष्ट्रियन बोर्ड दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं अपन, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा। दमन के बीच तो बहुत घूम चुके अपन ने, बहुत एक्सप्लोर कर लिया कई दिनों से, न जाने कितनी बार, दो तीन बार अपना शायद वीडियो हो चुका होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कोई एक बोरडी बीच करके है या फिर मतलब महाराष्ट्र के अंदर के बीचेस अपन ने कभी एक्सप्लोर नहीं किए। इस तरफ रे, राइट लेफ्ट लेफ्ट ना, ओके, साथ में अपना एक दोस्त भी है, पिलियन राइटर भी है, बोरगांव। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इतना सब कुछ करने के बजाय बार बार अपन दमन में आके, दमन का वीडियो क्या है, एक वक्त पे बोरिंग लगने लग जाता है, बार बार एक ही जगह का एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं अपन, कुछ नया एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, चैनल में कुछ नया कंटेंट दिखना चाहिए, इसीलिए आज अपन आ गए बॉर्डर क्रॉस करके। रास्ता तो अच्छा दिख रहा है इधर, मस्त बना है इतना एरिया का, मतलब वही उतना ही था गुजरात के पार्ट का कोस्टल रोड, इन लोगों का तो क्या है इंटरनल स्टेट हाईवे ही होगा। चेक पोस्ट है, क्या है, चेक पोस्ट है महाराष्ट्र का। घोलवड रूम हनी रेस्टोरेंट, अच्छा MH 20 DJ 15। इधर भी बाड़ी चिक्कू और आम चिक्कू दिख रहा है, इधर सब तरफ चिक्कू, सब चिक्कू चिक्कू ही है, चिक्कू शुगर फ्री चिक्कू, ये कौन सा चिक्कू होता है, कुछ भी मतलब जो आया वो बना देना। एक बार देखा था शुगर फ्री राइस, कैसे हो सकता है यार, राइस के अंदर यार सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोस शुगर का एकदम सिंपलेस्ट पार्ट होता है, सुक्रोज ही तो रहता है उसके अंदर, शुगर फ्री कैसे हो गया फिर। वाहिंद्र पुल छोटा सा एकदम खाड़ी जैसा बना हुआ है, मस्त है, सही दिख रहा है। बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग बोरडी में, चलते इसके आगे, कब से बोर कर रहे हैं, पहुँच ही गए यार, ज़्यादा देर नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर ही पहुँच गए हम लोग। रास्ता ख़राब था नहीं तो वो भी 45 मिनट या फिर 40 मिनट के अंदर पहुँच जाते हम लोग आराम से। फर्स्ट टाइम आ रहे अपन, अपने को कुछ पता नहीं इधर का कैसे जाना, किस तरह मेरे राइट लेफ्ट कहो दादा, बोरडी बीच कूट है, बोरडी बीच, बोरडी हाँ हाँ बोरडी जाए तो महाराष्ट्र है ना ये, नहीं महाराष्ट्र नहीं कह सकते, सब मिक्स रहते इधर दोनों बॉर्डर के लोग आसपास, अभी वो गुजराती बोल रही थी वो आंटी। वाह वाह वाह, रास्ते तो एकदम मस्त बना के रखे, जैसे गोवा जैसे दिख रहा है एकदम मस्त। हाँ 200 मीटर ना, मजा कुछ अलग होता है कि नए जगह का एक्सप्लोरिंग करना, नए जगह पे घूमना फिरना।
इधर। अरे बहुत घूम रहे अपन वही गांव के अंदर ही। अबे तू वो रोड नहीं था, यही रोड था, गलत टर्न मारवा दिया तूने, पूरा वही गांव घूम के आ गया अपन फिर से। चल ठीक है। बोरडी तो देखना हो गया थोड़ा सा, देख उसी पर उसी तरफ आगे कहाँ है देख। तो मेरे को तो लगा था तू यार फोटोग्राफर ही खराब है, लेकिन तू यार गूगल मैप भी नहीं ठीक से पढ़ सकता। अरे धीरे चलाओ यार, क्या है टर्न पे भी इतना जोर से इनका स्पीड होते रहता है, नए नए जगह पे रास्ता पता नहीं चलता तो होते रहता कंफ्यूजन। सीधा था ये भाई ने राइट मारवा राइट करवा दिया मेरे को, यहाँ से ही सीधे थे अपन बोरडी सही जा रहे थे। धीरे रे भाई धीरे। अरे बीच आ गया वो देख पीछे था। कहाँ से एंट्री मारना अभी? हाँ चल इधर से ही मार लेते ये वाले से। बाप रे कितना बड़ा झाड़ है, यही से मार लेते एंट्री। ये तो सब एंट्री पॉइंट से है ना ये सारे। ये क्या वो देख सा, ओ माय गॉड इतना सामने पानी, अरे बाप रे एक नंबर है भाई सीन तो खतरनाक। एक नंबर खतरनाक जबरदस्त। अरे इधर की उतर ना तू। बोराडी बीच वीडियो चालू है, वीडियो रुकना भाई थोड़ा सा, बीच तो देखने दे रहे थे। इतना पास है यार देखना इधर से, बस ये मोटरसाइकिल अपनी पास यहाँ से बहुत पास है यार ये तो। अपन पूरा पानी है नीचे देख रहा है क्या तू? बोल रहा है तो उधर सामने बीच है, ऐसा लग तो रहा है मुझे भी उधर बीच है सामने। समंदर देखना कितना पास है यार पानी, दमन में भी आज इतना ही पास होगा ना, मस्त पास होगा एकदम। मस्त का एकदम पेड़ तक आ गया पानी। मेरा फोटो तो दो निकाले हो गया भाई? नहीं रे दो नहीं निकाला ना, बहुत निकाला तेरा फोटो। क्या बात कर रहा है? ये है ऐसा सीनरी बोरडी बीच का। बस यहाँ से ये है अपना, बस बाइक पार्क किया है यहाँ से, इतना इतने तक पानी आ चुका है, मतलब आज इतना ज्वार भाटा इतना आगे तक आ गया है। जाने का कोशिश नहीं करेंगे अपन अंदर, क्योंकि क्या है जूते पहने हुए हैं तो पॉसिबल नहीं है, जूते गीले हो गए तो जाते जाते परेशानी हो जाएगी। मस्त लग रहा है बीच एकदम सही है। नारगोल वाला तो फ्लैट हो चुका था ऐसा एकदम पूरा पानी उसका जा जाके, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो इस तरफ तो देख लिया अपन ने, दूसरी तरफ जाके भी देख लेते हैं। हाँ भेज दूंगा। क्या ये ओल्ड ओल्ड पूरे पुराने पुराने घर है कॉल के, चाड़ जैसी भी नहीं, मतलब मस्त बड़ा घर दिख रहा है किसी का। जी एन पाइट सेंटोरियम MTDC बोरडी बीच 1 किलोमीटर, बोरडी बीच चौपाटी रिसोर्ट MTDC डहानू 16। ये राइट साइड बोला ना, इधर ना क्या और आगे, यही ना ये और आगे, ये तो वही है आगे वाला ही होगा। एक दुकान नहीं दिख रहा था किसी का, दुकान तो दिखनी चाहिए यार कुछ। हाँ ये रहा, ये है क्या?
ये बीच नहीं बे, नहीं बे वही था अमरेश, वही था। ये मुझे ऐसा लगता कि आगे देखते हैं, चल आगे जाके देखते हैं, नहीं तो वही होगा और क्या। दिनशाह हॉस्टल, वही है वो, देख उतना ही दिख रहा है। क्या मस्त पानी दिख रहा है यार, एकदम खतरनाक। स्कूल है क्या ये? कटगारा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बोरडी। नहीं रे भाई अमरेश, इतना ही है बे, कुछ नहीं आगे, इतना ही। हाँ वो देख आगे, देख आगे, हाँ मस्त है, इधर से दिख रहा है थोड़ा अच्छा। घोड़ा गाड़ी ये सब दिखना चालू हो गया अभी इधर से। वही बोला कि नेट अपना यूट्यूब पे देखा था कि अभी दिख क्यों नहीं रहा, वही बोल रहा था। वहाँ से एंट्रेंस है राइट साइड से। पार्लर, चलो अपन एंटर करते हैं बोरडी के अंदर, बीच के अंदर। चिक्कू पार्लर, ओके चिक्कू पार्लर। कोंकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यकारिणी अभियंता, हाँ कोंकण पार्लर। देख ये बोरडी बीच छोटा सा, ये रहा बग्गी वग्गी सब लगाई हुई है। चलिए यही लगा देते हैं बाइक अपनी। बोरडी बीच, ये ले इसमें। थोड़ा सूखा मट्टी तो मिला इधर। ये क्या भाई इस गाड़ी में इतना खास, इंजन बड़ा है इसका, इंजन बहुत बड़ा है।
चल हो गया बोराडी बीच का घूमना ख़त्म। ये पानी फल है, देखाएगा क्या पानी फल? हाँ पानी फल कहते हैं उसको। थोड़ा आगे तक देख लेते क्या है, सी ब्रीज, फिर उसके बाद चलते हैं अपन। कैफे स्टोर है उधर, चलेगा? सी फूड जैसा कुछ खास दिखा नहीं उधर, वैसे अपना दमन और उधर मिल जाता है मस्त वैरायटी, वैसा कुछ खास दिखा नहीं, एक दो ही शॉप थे उधर। पानी भी मांग रहा हो तो एकदम गर्म पानी दे रहा हो, कम से कम पानी तो ठंडा मिलना चाहिए यार, इतने गर्म हो रहा है। एक तो शाम को दोपहर को इतना निकले हम लोग। ये था बोरडी बीच भाई लोग, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरा मतलब लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। यहाँ से हम लोग चले जाएंगे रिटर्न, कुछ ज़्यादा कुछ रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। 4:45 के आसपास होने को आ गए, 4:32 हो गए। चल यार हो गया ख़त्म, भला क्या हो गया ख़त्म, अभी और कुछ नहीं आगे। ढानू चले जाएंगे नहीं तो अपन आज, हाँ नहीं तो डायरेक्ट ढानू चले जाएंगे, ऐसा करते रहे तो। हाँ सीधा ढानू जाता है, उधर से पानी ले लेते ना, ऐसा बोल रहा हूँ वो क्या वो शॉप से नहीं। दोनों तरफ से ये और ये, दोनों तरफ खाड़ी, अनस्टॉपेबल खाड़ी। उन्होंने कहा था कि डेली एक कमल पर पीस इतना इतना रुपए का जाता है, मतलब टर्नओवर बहुत खतरनाक है इसका।